पिछले जन्म में शिव की पत्नी थी जो देवी सती, इस जन्म में वो है पर्वतराज की सुपुत्री पार्वती। आज भी शिव है इनके एकमात्र आराध्य, वर के रूप में मिले जो फिर शिव, तब का हो सौभाग्य। क्या बात है आप? आदि ना जिसका अंत न कोई, वो शिव है महाकाल, नतमस्तक हो जाते इनके आगे तीनों काल। महादेव से छिपा कहा सृष्टि का कोई रहस्य, पार्वती के रूप में उनको दिखा सती का सत्य। हर्षाता इस धरा गगन का एक एक कण कण है, महादेव का पार्वती से होने वाला मिलन है। विवाह में उपस्थित था विश्व का हर एक कण, चाहे वो राजा हो या हो भूत पिशाच देवगण। एक दूजे की हलचल भी इन्हें एक आंख न भाती, पर शिव पार्वती के विवाह में सारे थे एक दूसरे के साथी। पार्वती मूरत है जिसकी, वो है तप और त्याग, महाकाल का मूल मंत्र है एक, राग और बैराग। विवाह में रीत कि वर और वधु का हो गुणगान, माता पिता और वंश वृक्ष का हो सर्वसा बखान। पार्वती के पिता ने उनका किया था ऐसा वर्णन, समारोह में मोह लिया हर एक अतिथि का मन। फिर वो बढ़े शिवजी की ओर, अब थी उनकी बारी, पर शिवजी ने धारण किया मौन। सभा शांत हो गई सारी। क्या इन्हें अपने कुल का पता नहीं? माता पिता कहाँ खो गए? कैसे ब्याहूं मैं अपनी बेटी? सवाल कई खड़े हो गए। वहीं खड़े नारद जी ने फिर ऐसा अलख जगाया, हर एक प्रश्न के उत्तर में सबको बस ये समझाया। गोत्र न कोई शिव जी का है, ना कुल ना परिवार, अपने सत्य से हुए स्वयंभू, स्वयं हुए साकार। यही सृष्टि के कारण है, शिव एकमात्र है अनंत, यही सकल है यही चराचर, इनका आदि ना अंत। वाह।
शिव जी की सबसे बड़ी प्रेमी मेरी शायद इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई मिलेगा मुझे मुझे वो ही चाहिए मुझे महादेव से बहुत प्यार है और श्वेता क्या मोमेंट था यार बीच में आप खड़े थे सारे डांसर्स खड़े थे आप पीछे गए अरे ओहो हो सबसे खूबसूरत मोमेंट मैं सिर्फ आपको इतना ही कर सकती हूँ प्रतिथि मुझे लगा ही नहीं कोई बच्ची परफॉर्म कर रही है मुझे साक्षात आप में पार्वती माँ नजर आई फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.